Good afternoon, everyone. Since some time, Mogabe India is tracking closely a lot of stories revolving around clean energy revolution in the country. Since last year, we are organizing a lot of webinars on the issue to discuss the issue in detail. In this series, we welcome you on the ninth webinar in this series. I am Manish Kumar, staff writer for Mogabe India, and I am joined by my colleague Manish Mishra from Mogabe Hindi. In the current brainstorming session, we will discuss the decentralized renewable energy, the challenges, potential, and the way forward. Namaskar. देश में जब भी सौर ऊर्जा की बात होती है तो बड़े बड़े सौर पार्क का दृश्य उभरता है, पर ग्रामीण इलाकों में अक्षय ऊर्जा के विकेंद्रीकृत समाधान से बड़े बदलाव आ रहे हैं। भारत के दूर दराज इलाकों, गांवों और कस्बों में रोजमर्रा की समस्याओं को ध्यान में रखकर कई विकेंद्रीकृत समाधानों की खोज हो रही है और उनका विस्तार हो रहा है। कई कंपनियों, संस्थाओं और आम लोगों की कोशिश से यह संभव हो रहा है। क्लीन एनर्जी टॉक्स के इस वेबिनार में हम पहली बार अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं वेबिनार में शामिल हमारे मेहमानों के बारे में। So in today's episode, we are joined by Saran Basappa Patil ji, who is a farmer and innovator from Karnataka. Harsha Minawat ji, who is a senior program manager in energy program department in WRI India. Ravindra Anand Rao Mane ji, who is a sarpanch in Manya Chivadi Solar Village in Maharashtra, and Dr. Janak Paltap Makelikar ji, who is the director Jimmy for Sustainable Development. We extend a warm welcome to all the speakers who joined in this event and all the audiences who spare time to attend this webinar. Now, Manish, can you introduce our speakers for our audience? Yes, absolutely. हमारे साथ इंदौर के सनावदिया गांव से जुड़ी हैं डॉक्टर जनक पल्टा मैगेलिगन। लोगों के बीच जनक दीदी नाम से मशहूर डॉक्टर मैगेलिगन को वर्ष 2015 में उनके सामाजिक कार्यों की वजह से पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। वे मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों और सुदूर गांवों में सामाजिक कार्य करती हैं। उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सौर ऊर्जा का सहारा लिया और गांवों में अन्य सामाजिक जागरूकता लाने के साथ साथ सौर ऊर्जा की मदद से लोगों का जीवन रोशन किया। वे जिमी मैगेलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की संस्था का संचालन करती है। यह संस्था बीते कई वर्षों से ग्रामीणों को सोलर कुकर उपलब्ध करवा रही है, जिससे उनके जीवन में कई परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं रविंद्र आनंद राव मानी। श्री मानी महाराष्ट्र के सतारा इलाके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका गाँव इलाके में सोलर गाँव के नाम से जाना जाता है। तकरीबन 14 साल पहले इस गांव के में रविंद्र जी के नेतृत्व में यहां की महिलाओं ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाने की ठान ली। पहले यहां 8-8 घंटे तक बिजली नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में यह गांव सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जाना जाता है। श्री माने से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये परिवर्तन कैसे लाया गया, क्या क्या कठिनाइयां सामने आई और अभी इस गाँव की क्या हाल है। हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़े हैं कर्नाटक से शरण बसप्पा पाटिल। पाटिल जी कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में किसानी का काम करते हैं, लेकिन उनकी नित नया खोज करने की प्रवृत्ति ने उन्हें एक नई पहचान दी है और यह पहचान है एक इनोवेटर या खोजकर्ता की। उन्होंने किसानों का काम आसान करने के लिए कम खर्चे से तैयार कई सोलर उपकरणों को विकसित किया है। इनमें सोलर हेलमेट, सोलर झटका मशीन या फेंसिंग मशीन प्रमुख है। बाजार में जो मशीन उपलब्ध है वह किसानों के लिए महंगी थी, इसलिए उन्होंने इन उपकरणों को इस तरह विकसित किया कि यह किसानों की जेब पर भारी न पड़े। उन्हें इन आविष्कारों के लिए राज्य और केंद्र स्तर पर कृषि पंडित सम्मान सहित कई सम्मानों से नवाजा गया है। एंड वी हैव हर्षा मिनावत। शी इज अ सीनियर प्रोग्राम मैनेजर ऑफ द एनर्जी प्रोग्राम एट WRI इंडिया। Prior to WRI, Harsha worked with one of India's largest infrastructure financing companies in policy advisory and strategy role. She also worked with the Energy and Resources Institute, researching on issues of energy and environmental governance. Harsha holds a master's degree in public policy from National University of Singapore and post-graduation diploma in business management from NMIMS University, Mumbai. She is based in Delhi. वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए हम सभी मेहमानों से बारी बारी उनके विचार सुनेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप अपना उत्तर 5 मिनट के भीतर समेटने की कोशिश करें ताकि चर्चा में हम अधिक से अधिक सवाल शामिल कर सकें।
request our speakers to keep their answers brief so that we can coordinate better and take more questions from the audience. So our first question goes to Janak ji. In different parts of the country, we have seen several revolutionary ideas coming in the sector of decentralized renewable energy, solar energy. Your story itself is an inspiring story. So we wanted to know from you how exactly the things happen, how your idea helped to meet, to cater to the kitchen needs of areas, in rural areas in Madhya Pradesh, and why you choose solar energy to bring a change in rural areas. धन्यवाद बहुत बहुत. ये मेरी जो बात शुरू होती है 1992 में, मैंने मुझे अर्थ समिट में बुलाया गया था. मैंने गिनी वॉर्म इरेडिकेशन के लिए वॉलंटरी सर्विस की और 302 गांव में गिनी वॉर्म इरेडिकेट हुए, और उसके दौरान मुझे ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर के लिए यूएनईपी ने बुलाया. तो वहां जाके मैंने पूरा मेरी जिंदगी में वो पहला महाकुंभ था एनर्जी को लेके, एनवायरमेंट को लेके. और वहां से सुनने के बाद मैं जब दो तीन बातें थी, एक तो ये कि मुझे पता ही चला पहली बार कि एनवायरमेंट पूरे वर्ल्ड की स्थिति कितनी खराब है. मैं 92 की बात कर रही हूँ. और जब मैंने पहली बार वो डेफिनेशन वहां पढ़ी और सुनी, मैंने वहां 14 दिन थी मैं वहां पर उस पूरी अर्थ समिट में, और मैंने पहली बार सुना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन ये है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज ऐसा करें कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहें. पर मैंने वहां से आने के बाद ये क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि आज हमारे पास उतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो चाहिए. 92 में पूछा, पानी है उतना? नहीं है. हवा क्लीन है? नहीं है. सॉयल सारी केमिकल से ऑलरेडी, और राम तेरी गंगा मैली बहुत पुरानी बात है, उस जमाने में हो चुकी थी, यमुना ये वो सब जो हम लोग पूरा पेड़ और डिफोरेस्टेशन और ये सब बात 92 से आके. फिर पहले तो मैंने ये सोच के आई कि मैं अपनी लाइफ में अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो जो एनवायरमेंट को हार्म करेगा. तो पहले मैंने अपने आप के लिए, अपने अंदर एक चेंज लाने के लिए, अपना अपनी हैबिट बिहेवियर और यूसेज चीजों का. तो उसके बाद हम लोगों ने जब ये, मैंने पहले डेफिनेशन बदली, रीडिफाइन किया कि विश्व का कल्याण प्राणियों में सद्भावना करनी होगी बाय थिंकिंग ग्लोबली एंड एक्टिंग लोकली. ये मेरा, वहां से मैंने काम की मेरी शुरुआत हुई. और मैंने जब मैंने गिनी वॉर्म इरेडिकेशन के लिए काम किया 302 गांव में, वहां मैंने देखा कि जंगल कट चुके थे और महिलाएं बहुत दूर दूर लकड़ी लेने जाती हैं. और मैं और मेरे हस्बैंड एक नॉर्दर्न आयरिश, हम दोनों बहाई फेथ के फॉलोअर हैं, और हम दोनों का ये एक लाइफ का पर्पसफुल मैरिज की हम लोग ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और सेवा के काम करेंगे. तो तब हमने सोचा कि जब रात को प्रोग्राम करते थे तो कहीं बिजली नहीं थी, होती भी तो जलती नहीं थी, महिलाएं रात को हम लोग उनके घरों में ही सोते थे, तो सब लोग धुएं में ही खाना बनाती थी महिलाएं. तो मैं और मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुकिंग इन स्मोकी किचन इज वॉयलेंस अगेंस्ट वेमेन. तो यहां से हमारा ये अंदर से ये एक बहुत सिवियर, हमारे अंदर एक, मैं सोचती हूँ कि एक अंदर से एक बहुत इनर वॉइस ने, इट वॉज ए कॉलिंग टू स्टार्ट समथिंग. जो रात को हम लोग काम करने जा रहे थे, लोगों के साथ बात करने, तो एक उस जमाने में एक गैस होता था जो पंप से हवा भरते थे उसमें, और उसमें एक मेंथल जैसा लगा रहता था, और अगर वो फट जाता था तो आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, लाइट खत्म हो जाती थी. और अंधेरा है तो मतलब एक लाइट ऐसी कैसे हो, अब अंधेरा कैसे खत्म कर सकते हैं. तो हम लोग ये भी समझते थे कि अंधेरा कभी खत्म नहीं किया जा सकता, रोशनी बढ़ाना होती है. तो रोशनी बढ़ाने के चक्कर में हम लोग और महिलाओं को जो उनके ऊपर हिंसा हो रही है, वॉयलेंस अगेंस्ट विमेन, और एनवायरमेंट के ऊपर भी वॉयलेंस थी. जब ये समझ में आई सारी बातें, पानी की हालत बहुत खराब थी वहां पर, तो हमने ये पकड़ा और
इसको कुछ साल हमें लगे। सबसे पहले हमने ये जो काम किया, हमारा भरली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन एक कैंपस, जहां पर मेरे हस्बैंड ने सेंट्रल इंडिया का पहला सोलर किचन बनाया दीपक गाड़िया से सीखकर, जो सोलर डिश है, शेफलर डिशेस पहली बनाई उन्होंने, जिससे तब से लेके 100 लोगों का खाना, अभी 150 लोगों तक का खाना बनता है 98 से लेके। उस किचन को देखकर आदिवासी लड़कियों के दिमाग में आया, रेजिडेंशियल प्रोग्राम थे, कि हाँ हमारे घर में कैसे सोलर कुकर हो सकता है। तो उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोलर बॉक्स कुकर 200-200 रुपए में दिए थे सब्सिडाइज करके, और बहुत अमीर लोग अपने अपने घर ले गए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था यूज करना है, क्योंकि किसी को ट्रेनिंग नहीं थी, यूजर ट्रेनिंग नहीं थी। तो मेरे मन में ये भी बात थी कि कोई टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं जब तक यूज करने वाले को नहीं पता कि इसको यूज कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, और इससे क्या क्या हो सकता है। इस कारण से हम लोगों ने जब ये किया, तो बीच में कुछ लोगों ने हमें ऑफर किया कि 40, एक महिला, मुझे लगता है ये इमोशनल स्टोरी है थोड़ी, पर कई बड़े काम सब इमोशन से शुरू होते हैं मुझे लगता है। एक महिला थी ऑस्ट्रिया में, बुजुर्ग, उन्होंने कहा मेरे फ्यूनरल में फूल ना लाए जाए, वो पैसा सारा इंडिया में जो महिलाएं धुएं में खाना बना रही हैं उनके लिए सोलर कुकर बना के उनको दिए जाए। तो 40 कुकर हमें ऑफर किए गए कि आप उन महिलाओं को दे दो, उस बूढ़ी महिला के फ्यूनरल से बचे हुए पैसे के कुकर हमें ऑफर किए गए। और हमने कहा, मैं बहुत जिद्दी हूं, मैंने बोला हम कुकर देंगे नहीं, उनको पहले कुकर हमें यूज करके दिखाने होंगे, और कुकर थे भी नहीं, कुकर बनाने थे तो, और 10% पैसे उनको देने होंगे। ये भी समझ में आ गया था तब तक कि कोई भी चीज जब तक यूजर कुछ इन्वेस्ट नहीं करता उसमें, अपना पैसा नहीं लगाता, वो कभी उसकी वैल्यू नहीं होती। तो उसकी वैल्यू हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनके अंदर इच्छा हो ले जाने की और बाद में यूज कर सके। थोड़ा टेक्निकल था, पर हम लोग बड़े खुश हैं कि हमने, मेरे हस्बैंड ने, वो वैसे बाय प्रोफेशन हम दोनों ना तो साइंस, मैं तो कभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ने के लिए, साइंस नहीं पढ़ी मैंने, टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी, इंजीनियरिंग नहीं मुझे आती, मेरे हस्बैंड की भी कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन हम लोग थोड़े पागल, मतलब कि कहा हमें कुछ करना है तो हम करने में लग जाते थे। तो उन्होंने फिर सोलर कुकर बनाए, और फिर देखा जब कुकर बन गया, यूज भी हो रहा है, लेकिन जब गांव तक पहुंचा तो उसका फोकल पॉइंट बदल जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। फिर हमें जर्मनी से हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने रेडी टू असेंबल कुकर दिलवाए, तो इस तरह से वो कुकर महिलाओं को सिखाए, कुछ आदिवासी महिलाओं को ट्रेन किया जो जाके वहां असेंबल करके उनको उनके घर पे देंगी, और यूज करने के बाद बहुत बड़े, जो मतलब इमेजिनेशन के कहीं ज्यादा बड़े, मैं आपको लेटेस्ट सर्वे जो मेरे पास है उसकी फीडबैक, 98 से शुरू किए थे, सन 2010 में एक स्टडी गुजराती साइंस कॉलेज इंदौर के बच्चों को, मैंने उन 500 महिलाओं की लिस्ट दी, उनके साथ एक अमेरिकन वॉलंटियर इंडियन लड़की, वो कैमरा लेके गई, उन महिलाओं के फोटो, उनका कुकर और वो क्या कहती हैं। तो वो जो कुकर आए उसके बाद हमारे हमारे जीवन में हमें लगा कि ये बहुत बड़ा कुछ काम है और इसको बहुत करना चाहिए। तो पहली सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये थी कि महिलाओं ने कहा कि हमारी इज्जत बच गई, गरिमा बच गई, क्योंकि सबसे ज्यादा रेप तब होते हैं जब वो जंगल में दूर लकड़ी लेने जाती थी, अब जंगल और रेप संख्या बढ़ गई। दूसरी बात उन्होंने, हाँ, इसी महिलाओं जो आगे हम बात करेंगे उसमें आप ऐड करिएगा कि किस तरह से महिलाओं की जिंदगी बदली, इसी तरह से एक उदाहरण और भी है हमारे साथ, रविंद्र जी जुड़े हुए हैं सतारा से। रविंद्र जी के गांव को, जो मान्याचीवाड़ी गांव है, उसको कहा जाता है कि ये सोलर विलेज है, और खास बात यह है कि महिलाओं ने आगे बढ़ के, महिलाओं के समूह ने आगे बढ़ के उस गाँव को आज से लगभग एक दशक पहले उसको सोलर विलेज के रूप में बनाया। तो हम रविंद्र जी से भी उनके अनुभव जानना चाहेंगे कि क्या चुनौतियां रही रविंद्र जी, क्योंकि एक पूरे गांव को सोलर आधारित बनाना, और आपके सामने आपने कैसे कर दिखाया आप लोगों ने, और क्या चुनौतियां रही, और अभी क्या चल रहा है गांव में। धन्यवाद। मैं शुरू से मोंगा बे इंडिया की पूरी टीम और
मनीष सर को धन्यवाद देता हूँ। जो भारत में हो रहा ऊर्जा परिवर्तन, यह क्लीन एनर्जी टास्क में हमें आपसे और अन्य लोगों से मिलने की संधि दी। अभी आपने पूछा कि कैसा हो गया मानेचवाड़ी सोलर ग्राम, कैसा हो गया शुरू में, कैसे प्रॉब्लम आए और कैसा बना दिया। हम पाटन तालुका में रहते हैं। पाटन में एक कोयना डैम है, वो पूरा वो महाराष्ट्र और कर्नाटक ये दोनों स्टेट को बिजली देता है वो कोयना डैम से। लेकिन हमारे यहाँ तालुका में कई ऐसे गांव थे कि उन गाँव में 10 साल पहले 10 घंटा दिन में 10 घंटा वो बिजली ही नहीं मिलती, वो लोड शेडिंग रहता था। तो गांव में बच्चे दिन में स्कूल में पढ़ते थे और गांव में रात को आते थे, घर में आते थे शाम को। कई महिलाएं या किसानों खेत में काम करते थे और खेत में काम दिन भर करते थे और शाम को घर वापस लौटते थे तो घर में बिजली नहीं रहती, तो बहुत ये प्रॉब्लम आते थे। इसलिए हमने एक खुद बिजली बनाने का ठान ली। तो कैसा बनाना चाहिए, बिजली का वो सॉल्यूशन कैसा निकालना चाहिए, तो हमें सोलर एनर्जी का एक प्रोजेक्ट हमें हाथ में लगा। और ये सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट हमें हाथ में लगने के बाद हमने हमारे गांव में ग्राम सभा ली। ये ग्राम सभा जो है ये पहले से हमारे ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत की स्थापना हमारी 2000 में हो गई। कुल मिला के 20 साल अभी ग्राम पंचायत हमारी स्थापना होके 20 साल हो गए। और 20 साल में मेरे गांव में हमारे जो लोग रहते वो लोगों ने इकट्ठा होके स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल के, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अब तक 60 अवार्ड्स मिल गए हमारे गांव में। वो स्वच्छता का मिल गया है, तंटामुक्त का मिल गया है, जो जितना ही अभियान है स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा हमारे यहाँ यशस्वी होता है। अभी ऐसा ही प्रोग्राम हमने 10 साल पहले गांव में ग्राम सभा ले ली और ग्राम सभा में एक ग्राम सभा लेने के बाद वो ग्राम सभा में ये प्रोजेक्ट कराने के ठान ली। तो पहले से कई लोगों ने थोड़ा उसमें प्रॉब्लम कर दिया, वो शुरू से ही थोड़ा निगेटिव थिंकिंग कर रहे थे। उसमें से हमें 2-3 ऐसा ग्राम सभा लेना पड़ा और बहुत सारा लोग को ये हमें वो समझाना पड़ा कि इससे क्या क्या हो सकता है। 24 घंटे बिजली मिल सकती है और उसका कोई भी उसका टैक्स नहीं भरना पड़ता है, ऐसा वो सभी लोगों को हमने सिखा दिया। उसमें से बहुत सारा हमें महिलाओं का योगदान मिला। गांव में बचत गट है, पूरा महिलाएं हम स्वयंभू या खुद का जो पेमेंट है वो खुद ही यशस्वी कर सकते हैं, इसीलिए हमने गांव में 10 महिला बचत गट की स्थापना की। और ये महिला बचत गट से हर एक महिला पर मंथ अपना योगदान दे रही है, वो उसमें से डोनेट कर रही है। वो 10 साल में हर एक महिला का 10,000 रुपए वो इकट्ठा हो गए थे। उसमें से कहीं पेमेंट लेके हमने ग्राम पंचायत से कहीं पेमेंट डाल के वो प्रोजेक्ट करने का फाइनल कर दिया। उसमें पूरा महिलाओं ने योगदान दिया, सहयोग दिया और उसमें सभी महिलाओं ने बोल दिया कि एक पहला सोलर ग्राम मानेचवाड़ी करने का ठान लिया। और ये सोलर ग्राम करने का ठान लेने के बाद हमने एक बैठक ले ली और कई सारी कंपनियों को बुला दिया, ये सोलर कंपनी है उनको बुला दिया और उसमें से बार्गेनिंग किया कि हमारे यहाँ गांव में पूरा गांव सोलर ग्राम करने का है तो कौन सी कंपनी हमें ये अच्छा सर्विस दे रही है। 5 साल का वो हमें रजिस्ट्रेशन करके दे रहे, पूरा मेंटेन फ्री करके दे रहे, ये सभी हमने ये रिकॉर्ड कर दिया। और जो कोई कंपनी ये सबसे कम पेमेंट में हमें दे रही है वो उसका हमने वो सोलर का फाइनल कर दिया।
ये पुणे की ही कंपनी है राइट सोलर सिस्टम, उसने हमें पर घर में हर घर में एक यूनिट, जो यूनिट का 10,000 रुपये 10 साल से पहले खर्चा आ रहा था वो उसने प्रोडक्शन कॉस्ट में दे दिया। क्या होता था, वो कंपनी वालों को भी उसका प्रमोशन हो रहा था, पूरा गांव मैंने सोलर ग्राम किया, उस सोलर कंपनी ने प्रोडक्शन कॉस्ट में हमें वो पूरा यूनिट दे दिया, तो हर घर में सोलर ग्राम सोलर का यूनिट बैठ गया। इससे क्या हो गया, तो सोलर ग्राम तो हो गया, महाराष्ट्र का पहला सोलर ग्राम माने चौड़ी बन गया। इसमें क्या हो गया, हमने सर्वे किया था गांव में, हर महीना पर महीना 60,000 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था, वो सोलर होने के बाद उसमें से 70% वो कम हो गया और उसमें से लगभग 22,000-23,000 पर मंथ बिल आ रहा है। इसीलिए हर घर में बिजली तो पूरा 24 घंटा मिल रही है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी जो पेमेंट जा रहा था उसमें से भी कटौती हो रही है। जी माने जी, अब पाटिल जी की वो मुख करते हैं, हम लोग कर्नाटका से, हमारे साथ किसान हैं वो, और एक इनोवेशन का बहुत काम करते हैं। तो पाटिल जी, आपने जो बहुत सारे इनोवेशन के काम किए हैं अपने इलाके में, तो आपने सोलर एनर्जी को ही, सौर ऊर्जा को ही क्यों चुना और किस तरह के बदलाव आपने अपने क्षेत्र में लाए हैं? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज पाटिल जी, आप थोड़ा अनम्यूट कर लेंगे पहले। हम किसको बोला, बोलने को आपने? पाटिल जी, पाटिल कर्नाटका से। पाटिल जी अभी तक आपका अनम्यूट है। पाटिल जी नमस्ते सर। सर नमस्कार, बताइए सर हमारा। हेलो सर। जी जी बोलिए, हम सुन पा रहे हैं। हाँ, हमारा खेत में बहुत इलेक्ट्रिसिटी करंट को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सर। पहला वो इसमें अल्टरनेट करे तो वो थोड़ा इंजन डीजल इंजन डाल के करे तो बहुत खर्चा आ रहा है सर। हम खुद सोचे वो बच्चे रहने के टाइम में बहुत बार बार करंट जाते आते, ऐसा करे तो कैसा खेत मैनेजमेंट करना, वो सोच के हम हमारा को सोलार में कंपनी वाले भी दूसरा डालते सर, उसका थोड़ा रिपेयरिंग मेंटेनेंस थोड़ा प्रॉब्लम है। वो कितना रिक्वायरमेंट है, वो कितना पैनल डालना, वो थोड़ा ज्यादा कम हुए तो भी बारिश का दिन भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सर। वैसा सोच के हम क्या कर रहे हैं सर, वो एक एक इक्विपमेंट्स हम 22 इक्विपमेंट्स करे सर, साइंटिस्ट वो केवी के साइंटिस्ट पकड़ के हम साथ करके वो खेत में दूसरा इक्विपमेंट्स नए करे सर। इसके सोलर भी 3-4 करे सर हम, वो हमारा ज्यादा पीजेपी लिपिंग मशीन तुअर डालते सर हमारा कर्नाटक में कलबुर्गी में, उसका कटिंग करने को एक मशीन डिजाइन करे सर हम, वो 3 घंटे में बैटरी डाउन हो रहे सर। उसका अल्टरनेट सोलर हेलमेट करे सर हम, वो सोलर हेलमेट करे तो अभी बैकअप 2-3 पट ज्यादा हो रहे सर। वो एक छोटा 6 वाट को 6 वोल्ट पैनल करके वो हेलमेट डाल के करे सर, वो बहुत अच्छे काम कर रहे सर। बहुत लोगों को 10,000 लोगों को ज्यादा वो दिए सर हम, वही वैसा करके वो हमारा खेत को भी पूरे खेत खेत को करंट 3 सोलर पंप भी लगाए सर हम। वो क्या कर रहे सर हम, कैसा प्रॉब्लम आते वो पहला सोलर फेंसिंग वो करे सर, उधर थोड़ा हमारा पास गांव में बहुत सुबह का प्रॉब्लम है सर, उसका सोलर फेंसिंग करके खुद हम थोड़ा इक्विपमेंट्स दूसरे कंपनी वाले को थोड़ा अलग अलग चेंज करके क्या क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज वो करके कर रहे सर। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच हो गए सर वो फेंसिंग, अभी तक 6,000 किसानों को रीच हो गए सर। और उसका हमारा को ये सोलर में क्या है सर, थोड़ा ज्यादा लोगों को उतना थोड़ा कैसा होते अच्छे नहीं होते वो समझ में थोड़ा ज्यादा उसका बोलने को होना पड़ता सर।
वैसा करके वो क्या तो प्रॉब्लम है तो खुद उसका खेत को जाके हम ऐसा नहीं करना ऐसा करो बोल के कौन सा भी कमेंट दे तो भी हम खुद खेत को जाके वो रिपेयरिंग रिपेयरिंग बोलते सर। वो सोलर एनर्जी फ्री एनर्जी है सर, वो हमारा को एक 5 HP पंपसेट को एक दिन 7 घंटे चालू करे तो मिनिमम 27 यूनिट खाते सर। वो 27 × 5 बोले तो उतना पैसा एक दिन जाते सर। ये सोलर फ्री एनर्जी है सर, मिनिमम 7 घंटा करंट 100% लगते हैं सर हमारा खेत में। वो ये क्या होता सर, वो हमारा पास 1 लीटर पानी है 4 लीटर, वो क्या होता सर वो 1 लीटर पानी बोल के ज्यादा ज्यादा पीते सर। हमारा पास सोलर एनर्जी रहते तो हम वो किसानों को क्या करता सर, वो झाड़ों को कितना पानी होते उतना ही छोड़ते सर, नहीं तो पानी करंट जाते बोल के ज्यादा कम छोड़ते सर। वैसा हुए तो हमारा पानी भी वेस्ट होते हमारा टाइम भी वेस्ट होता सर। ये हमारा क्या बोलते सर, ये टाइम करंट देते ना उसका देना पानी वैसा करता सर। ये सोलर एनर्जी करे तो कभी भी रहते करंट, उसका जरूरी कितना है उतना छोड़ते सर। वैसा करे तो हमारा को 30% ईड भी ज्यादा आ रहा है सर। जी हमारा तो जैसे पाटिल जी ने बताया जो 24 घंटे बिजली अपने हाथ में रहती है, स्वतंत्रता रहती है कि कब बिजली का इस्तेमाल करना है और उससे किस तरह से 30% तक जो खेती का की जो उपज है वो बढ़ी। और आगे पाटिल जी से आगे जो सवाल करेंगे उसमें जानेंगे कि उनके क्या क्या इनोवेशन है, उन्होंने कैसे कम खर्चे में सौर ऊर्जा के संयंत्र बनाए। अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है हर्षा जी से। So, Ms. Harsha, in the last 2 decades, we can see the expansion of solar energy in different corners of the country, where decentralized solar energy played a key role, especially in rural areas of the country. How much potential do you see in DRE solutions when it comes to tackling the power-related issues in India? Thank you so much, Manish. And thank you, Umanga Bay India, for inviting me for this webinar. You are right to say that there is a lot of potential for DRE-based applications and distributed renewable energy, say, Vikrendit Akshay Urja, jo aap keh rahe hain. There's a lot of potential in our country, definitely. There's a context to this, which is that there is almost near universal household electricity connection now. Supply is a different issue, but connections are there. We can say that most households, 99% households perhaps, are connected to the electricity grid. But that is not the case for community level requirements. So when I say community level, it means schools, health centers, water supply schemes, enterprises, panchayat offices, agriculture needs or requirements, and that too at the community level. Maybe there is still a lot proliferation at whatever households need. What has happened in the last few years with technology improvement and very specifically cost reductions of technological solutions like solar PV, like battery backup, what has happened is that these solutions have become viable in terms of economics for people like Patil ji, like Mane ji, to adopt for their own uses. And that has been the most important thing for DRE to become a little bit more useful or popular, so to speak, in the context of rural India, as we are saying. Now, the power sector in India we've seen newspapers, right? I mean, it comes out from one crisis and then it goes into another crisis. And then, it's been a slew of crises, one after the other. And there are a lot of systemic issues in that, which also require us to look at the power sector in depth. But because of these issues, the distributed renewable energy solutions have really come into focus, and they have really become important for everyone to sort of pay attention to how this can actually resolve issues in the rural sector. Now, the national grid is definitely, like I said, because it's connected to households, there is the national grid in all villages in the country. But for electricity from the national grid to be reliable, to be affordable, and to be sustainable, there is still a long way to go. We can't really say that in the next few years,
people will get electricity when they need it, how much ever they need it, and at the price that they can actually afford it. So what this does to DRE and specifically to renewable energy sources is that there is a role for DRE to fill the gap that the national grid sort of leaves, and specifically in rural areas. And there is another aspect to this, which is if DRE solutions are implemented well, if they are successful in their implementation and they are maintained properly, then they can actually be the mainstay to meet the needs of rural areas in the country. And that will actually be what we want to achieve, you know, in our climate targets as well, which is clean energy, green energy to those aspects as well. Now, the beauty of DRE is that there are a slew of options. So right from what Patilji said in terms of solar helmets, in terms of various small appliances, like even solar lights or lamps, there are those options. And then there are also the mini grid, micro grid options. And there are a lot of options in between. And so that is why the potential of DRE is actually quite high. It's not just one solution which sort of fits everyone and please try and get a connection and that is the end of it. But the idea is that whatever your need, you can actually find a solution and actually adopt that solution. And the economics right now is favorable for it to actually work out for everyone. So quintessentially, so maybe people may have heard about Emery Lovins and what he had described as soft paths to energy and hard paths to energy. Hard paths being large infrastructure projects, a lot of displacement, a lot of land requirement for it. Other than that, there are the soft paths to energy, which is smaller installations, which actually meet the needs of people, immediate needs of the people, and whether they actually have the choice to continue to stay off grid or to connect to the grid and only meet their requirements that are not served by the grid, or to, you know, have a whole have a lot of savings in terms of life cycle cost, as Patilji was talking about. So the way I see it, there is a lot of potential for DRE in the country. It's just that we need to be a little bit more mindful about how we implement it and how we adopt it. Back to you, Manish. Thank you. हम जनक जी के पास वापस जाना चाहते हैं. जनक जी, आप हमें सुन पा रहे? जी, थोड़ा ऑडियो आपका लो है अभी. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. आप एक बार वीडियो भी अपना कह रहे हैं कि I can't start my video because the host has disabled it. आपका क्या क्वेश्चन है अभी बोलिए. मैं अभी फोन से बात कर रही हूँ. ठीक है. तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कभी भी ऐसी जब डीआरई की बहुत सारी परियोजनाएं लगाई जाती है, सौर परियोजनाएं लगाई जाती है गाँव के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, तो कई बार अगर इसे हमें लंबे समय के लिए सफल बनाना है तो स्थानीय समुदाय का कितना बड़ा योगदान रहता है? आपने जो काम किया है उसमें आपने स्थानीय समुदाय का कितना बड़ा योगदान देखा है इस परियोजना को सफल बनाने के लिए? I'm sorry, मेरे को लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया. आप मेरे से क्या जानना चाह रहे हैं? हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आपका जितना अनुभव रहा है ग्रामीण इलाकों में काम करने का, तो आपको क्या लगता है अगर कोई भी परियोजना जब सरकार लगाती है या कोई निजी कंपनियां लगाती है, अगर उसे सफल बनाना है तो स्थानीय समुदाय की कितनी बड़ी भागीदारी रहती है आपके? ठीक है. तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे 37 इयर्स हो गए हैं, मुझे भारत सरकार ने या मध्य प्रदेश सरकार ने एक भी सोलर कुकर देने का अभी कोई काम नहीं किया, और जबकि मुझे सारी दुनिया के अवार्ड्स मिले हैं. मुझे यूनाइटेड नेशंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रिप्रेजेंट करने को बोला गया, SDG 5 पे बोलने को बोला गया, वहाँ नीति आयोग की तरफ से मैं बोली. लेकिन प्रैक्टिकली आप स्केल अप की बात कर रहे हैं या डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडिया में जो कुछ हो रहा है मेजरली वो बड़े
बड़े इंडस्ट्री और बड़े लोगों के लिए सब हो रहा है, मेगा सब हो रहा है, लेकिन माइक्रो लेवल पर कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा सोलर एनर्जी को लेके, और कुकर्स को लेके तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने 500 कुकर तब दिए थे, उसके बाद मैंने यहाँ जहां मैं रह रही हूँ, सबसे पहले मैंने 50 आदिवासी परिवारों को सोलर और विंड पावर में दे रही हूँ 11 साल से फ्री। और महिलाओं को इसीलिए दी जब उनके पास बिजली नहीं थी, उन्होंने कहा कि और उनके घर पे नहीं है, उनको कुछ नहीं करना, मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ से मैं उनको फ्री दे रही हूँ। और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि लोगों को चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी छोटा, ये 2 किलोवाट से 19 स्ट्रीट लाइट चल रही है और बरसात में भी चलती है क्योंकि विंड पावर है छोटा। तो ये एक ये बात है कि एक पूरे हिंदुस्तान में एक किसी गांव में भी इसको गवर्नमेंट ने रेप्लिकेट नहीं किया है। तीसरी बात यह है कि एक तरफ सोलर कुकर की बात कर रहे थे हम लोग, उसके बाद मेरे पास बहुत सारे बच्चे, मैंने कम से कम 1 लाख लोगों को हाफ डे वर्कशॉप में अवेयर किया है सोलर कुकर के बारे में, सोलर पावर के बारे में। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से सोलर एनर्जी सीख कर उन्होंने अपने कंपनीज बनाई है, स्टार्टअप बनाया है। एक वरुण रहेजा नाम का लड़का है जिसने सोलर ड्रायर हमारे से बनाना सीख कर सोलर ड्राइंग में इस टाइम इंडिया में नंबर 2 है। तो किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, मतलब सोलर कुकर भी हो, सोलर पानी की मोटर भी हो और सोलर का बिजली भी हो, सोलर की लाइट भी हो, सोलर के खिलौने भी हो, अभी सब चीजें सोलर की चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, माइक्रो लेवल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। मैम एक बार आप ट्राई करिएगा वीडियो फिर से ऑन करने का, देखिएगा हो सकता है इस बार हो जाए। क्या ट्राई करूं? जी हो गया वीडियो ऑन हो गया। जी फोटो ओके। मैं ये बोल रही हूँ कि अभी तो गवर्नमेंट ने कुछ भी, मैं रोज ट्विटर पे, मोदी जी मुझे लेटर लिखते हैं, मेरे को रोज ईमेल भेजते हैं, मन की बात तो मन की बात सुनते कोई नहीं है। अच्छा मैम, यहाँ पर जितने एनर्जी डिपार्टमेंट, हमारा ऊर्जा निगम है, मैं बोल रही हूँ ये ऊर्जा जितने निगम बनाए हैं, विकास निगम है, विनाश निगम है, सारा पैसा कहाँ जाता है हमें पता नहीं। आज तक ऊर्जा विकास निगम में मध्य प्रदेश का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है गाँव में, मुझे नहीं पता कहाँ है कॉन्ट्रीब्यूशन उनका। तो मुझे तो ये लगता है हमें CSR वाले लोगों को एनकरेज करना होगा, जो लोग डोनर्स हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं पर्सनली, ऐसा इस पे ज्यादा काम हो सकता है। और स्टार्टअप जो है ये छोटे लेवल पर जब काम होगा, अभी तक इंडिया में ये जो शेफलर कुकर्स है, सबसे सस्ता 10,000 के कुकर में आप 10 साल से काम कर रहा मेरे यहाँ। अभी LPG महंगी हो गई है, मोदी जी ने कहा LPG छोड़ दो, जो लोग छोड़ सकते हैं सब्सिडी। मैं पहली महिला थी जिसने सब्सिडी छोड़ी क्योंकि मेरे पास सोलर कुकर है। मेरे गैस सिलेंडर 2 साल 5 महीने के बाद बदलता है, मुझे गैस सिलेंडर नहीं चाहिए। तो फॉसिल फ्यूल का भी इश्यू है, ये कब तक गैस हमें मिलेगी? और गैस इतनी महंगी हो गई है, जो गरीब लोग हैं, जो ऑर्डिनरी लोग भी हैं, वो भी रिफिल नहीं करवा पाते उसको, अपने फ्री कनेक्शन भी दे रहे वो भी नहीं आ पा रहे। और दूसरी बात ये है, जितना भी लोग सोच रहे हैं कि वो फोटोवोल्टिक से कुकर बना देंगे, मुझे लगता है बैटरी और इन्वर्टर के बिना कुछ भी नहीं चल सकता फोटोवोल्टिक का, तो उसकी कॉस्ट और उसकी कार्बन कॉस्ट कौन पे करेगा? कैसे? इट इज नॉट अफोर्डेबल एट ऑल। Thank you, Janakji. You highlighted some of the success stories, the utility, how it could be utilized solar energy in rural areas, as well as the limitations of such areas and its fate in such areas. So my next question was also related to this. I want to move to Harsha ji. We have seen and we have also reported about several DRE projects, several solar projects in rural areas, be it the Dharni, like Bihar's first solar village, Dharni, or Barapita, Odisha's first solar village. Many of such villages either started by the government or started by public sector union, public sector enterprises. कहाँ है? कुछ बताओ ना, कौन से गांव, कौन सा ऐसा गांव है, कितने साल से वो
सोलर एनर्जी पे चल रहा है, कितने घर हैं, कितना बेनिफिट मिला है उसको. Yes, so we have reported some of the cases where it was claimed that this is the first solar village of Odisha or Bihar, and we came across why they have failed. So we wanted some Harsha ji to shed some light why many solar projects कितने साल से solar power लगातार ठीक चल रही है और लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा, गरीब लोगों को. Yes, we already have, we have benefits. We have seen inspiring stories of benefits as well as there is lacuna. So let Harsha ji highlight, is there any problem with the policy or some other things? Ji, Harsha ji. Thanks, Manish. So there are both kinds of examples. And I want to, first of all, thank Mongabe to report so that thank Mongabe that you guys have been reporting about what has worked. And then, of course, there will be some examples what has not worked. So one aspect or reasons, for failure of solar projects in our country is actually the design of the system or design of the installation that takes place in rural areas specifically. And you'll see that a lot of projects in rural areas fail more as compared to urban areas. And I'll come to that, the ecosystemic issue also on that. So what usually happens is that the installation size, the kilowatt size or the KVA size or the battery size actually doesn't match with the demand of the consumer. So maybe the consumer requires a 5 kilowatt system, but the system that has been put in most likely through a large scale program comes out to be a 3 kilowatt system. And, there's a mismatch there. The demand is more and the supply is less. As soon as that happens, it's the system is going to shut down and it's not going to function as per the requirements of the end user of the beneficiary. So what happens is that this, sort of creates frustration in the people as well, that I got a system, it should work now, it's not working. And then it's a problematic issue because it's a new technology and because it needs to be adopted by a lot more people for it to become more viable, some sort of bad experiences then sort of become a hindrance for people to promote these a little bit more. But that's all right. I mean, it's not just about that. So what we've also figured out that what's needed is to conduct an energy demand assessment, that you need to figure out what appliances will you use. And based on the load that comes out for those appliances, will you use one TV, one mixie, one light, one fridge, or, multiples of that, several lights or whatever. And based on that, ideally, a system design size should be figured out. And of course, these systems, if it is only a solar PV system, it will work only when the sun shines. It will not work at night. So you need a battery backup also at the same time. So that it works throughout the day, throughout 24 hours. But the size of both these systems is very important. What we see is that when you have these large programs, we will solarize all schools or all health centers. We will put 5 kilowatt systems everywhere. So the point I'm trying to make is that one size fits all does not really work in DRE. And it has to be decided on the basis of use. So consumer has to decide, my needs are towards or are to be able to get will be met only when I get this size of a system. Oversizing is fine. You can oversize it. But then with oversizing, the question of cost comes. That if you are oversizing it by 100%, if your needs are 4 kilowatt and you're putting an 8 kilowatt system, it is going to cost you double. But who has the money for that? That's another question there. Another issue, and which I would like to point out is coming very common now, and it will become much more common in the future, is when the systems shut down or the installations shut down because of extreme weather events. And that is not just DRE, that is for all electricity systems. Our grid shuts down when it rains a lot or when it floods. Our large-scale solar systems shut down when it rains or floods. Our wind power has to shut down if there are high wind speeds.
our solar installations, even small or large, they all will shut down if there is lightning and you don't have lightning arresters. So that's a very important design aspect. We have to be prepared specifically for some regions, you know, where we know that there's going to be flooding. This is a flood prone area. So we have to put these solar panels, let's say, or battery systems in a place that water will not reach them. So they have to be at a height. The batteries have to be in a rack. And a lot of times we don't take these precautions. And that is why the system shuts down. And I'll come back to the earlier point I made, that when a system shuts down once and it doesn't get repaired in time, then people don't really have that confidence in the system. And so it doesn't get adopted in more and more places. So another thing which I think Manish, your articles have also pointed out, Monga Bay's articles have pointed out, which is the lack of operations and maintenance. There are instances where there are 5-year annual maintenance contracts already being signed whenever the project is submitted, but people have not been trained to properly operate it. And there are no electricians or technicians to do troubleshooting when maintenance is required. So that's a problem. And you will not see this problem in urban areas because there is an ecosystem there. If my AMC vendor is not addressing it, I will call someone else. There are 10 others that I have some sort of information about. But rural areas don't have this luxury, if I can call it that. Another thing is that, so many a times, systems have been installed in rural areas, and we have put in something called RMS, which is a remote monitoring system. Now, the purpose of the remote monitoring system is to continuously check whether the system is working or not, whether it is functioning as per its required, it's giving the correct output or not. But the RMS works if there is a mobile connectivity network. If there is no mobile connectivity, your RMS will not give you the information that you want, which is important for troubleshooting. So it's sort of like a chicken and egg situation, you know, whether do you put electricity first and then you will have other services also coming to that area and, you know, that will lead to development, or do you put other services first and then you also work on electricity? But the point is that everything needs to work together. The last point I'll put forward is one that I mentioned. One of our partner organizations recently put out a RFP or a tender to procure solar PV and battery services. This was for a set of remote clinics in Rajasthan. We got 3 responses from vendors. And if we had put the same RFP out in just the city, which is not very far off, just like, you know, 50 kilometers away city, we would have got about 15 vendors to respond. So the ecosystem also needs to improve. And yes, there are processes, or at least there are efforts to do that, but we still have some way to go. And I hope that we don't lose momentum on it. I'll stop there. Very good points made by you on this issue. We would like to request all our audiences that you can put all your questions to the question and answer section. We'll start soon taking questions on that, right, Manish? Or आप सवाल हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं Q&A सेक्शन में. हम वेबिनार के अंत में उन सवालों का कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से जवाब लेने की. मेरा अगला सवाल रविंद्र जी से रहेगा. जैसे कि हर्षा जी ने जैसा कि जिक्र किया, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. वेदर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे बाढ़ कभी आ गई, कभी आंधी चल गई. तो रविंद्र जी, आप का अनुभव रहा है पिछले कई सालों से चलाने का सोलर, आपके सामने ऐसे कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं और आप कैसे इससे निपट रहे हैं, पहला सवाल. और दूसरा सवाल कि अगर आप कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा गांव भी इसी तरह का सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहे तो क्यों नहीं, मतलब वो उनको क्या क्या ऐसा करना चाहिए कि वो आगे उनको कोई बाधा ना आए. जी, हमारे यहाँ तो 10 साल से पहले, अभी 14 साल हो गए ये प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है, और उसमें से 14 साल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया यार अभी तक. तो ये करने से पहले लोगों को थोड़ा उनका जो मन की जो बात है, ये लोगों को जो लगता है कि छोटा थोड़ा प्रोजेक्ट
कॉस्टली है या वो नहीं सक्सेस हो सकता है, थोड़ी पहले से ही लोगों की निगेटिव थिंकिंग रहता है। लेकिन वो लोगों को वो समझना चाहिए या एक कोई एक्सपर्ट हो जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उसमें से थोड़ा सा आईसी करना पड़ता है। तो आईसी करने से लोगों को थोड़ा उसमें से क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई उसमें फायदा है क्या, कोई घाटा है, वो सब कुछ वो प्रॉफिट लॉस समझ में आता है। अभी हमारे गांव में जो प्रोजेक्ट लगा दिया है 128 हाउस होल्ड है, वो 128 हाउस में पूरे के पूरे हाउस में वो अभी सोलर का ही बिजली जल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 14 साल से कोई दिक्कत नहीं। हमारा तो वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो बिल इतना कम हो गया है कि 70% हमें भी बिल कम आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी भी है हमारे गांव में, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी का पहला जिसका बिल 500 आता था उनका अभी 150 पर महीना आ रहा है, 350 रुपए बच सकता है। लोगों के मन में ये बात जानी चाहिए कि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ये एनर्जी है, लोगों को ये समझ में आना चाहिए, वो लोगों को मन में वो बदलाव आना चाहिए। इसके लिए जो गांव में काम करने वाले हमारे जो सरपंच जी है, लीडर है, उसने थोड़ा पुड़ाकार लेके वो लोगों को बताना चाहिए। इसीलिए गांव की जो ग्राम सभा है वो ग्राम सभा में हमें पहला ग्राम सभा बलकट करना चाहिए, उसमें से ये प्रोजेक्ट में ये फाइनल करके हमें लोगों को बताना चाहिए। अभी ये बाढ़ आती है, कोई धूप आती है, इसमें से एक प्रोजेक्ट को कोई हानि नहीं पहुंचता है। खाली जब भी वो बारिश आती है, वो बारिश के समय थोड़ा ऊर्जा कम रहता है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है ऐसा भी नहीं, वो 30% कम मिलता है। जितना अभी एनर्जी मिलती है 100% अभी मिलती है, तो बारिश के टाइम में हमें 30% कम मिलती है, लेकिन 70% तो बिजली मिल सकती है। तो लोगों के हेलो, आपने हाँ जी आपने अच्छा मुद्दा उठाया है जागरूकता को लेकर, वही हम पाटिल जी की तरफ रुक करेंगे। पाटिल जी, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बनाई जा रही है, जैसे कि पीएम कुसुम योजना है या सोलर रूफटॉप की योजना है, क्योंकि आप एक ग्रामीण इलाके से आते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि वहां के किसानों में क्या इतनी जागरूकता है, क्या वो इन परियोजनाओं के बारे में जानते हैं कि कहां से उन्हें सब्सिडी मिल सकती है, क्या अपने इलाके में आप देख रहे हैं किसान पीएम कुसुम योजना या राज्य की किसी योजना से सोलर पंप लगा रहे हैं या किसी और परियोजना से फायदा उठा रहे सरकारी स्कीम से, या जागरूकता का कोई समस्या है आपके लिए? सर, पीएम किसान योजना में बहुत लोगों को सब्सिडी में पंप दे रहे सर, वो कौन सा आदमी को आवश्यकता है उसका आदमी को नहीं मिल रहे सर। ये किसान वाले को भी, वो थोड़ा बड़ा किसान छोटा किसान वैसा वो कर रहे सर, वो सब लोग किसान एक ही किसान है, या तो किसान एक ही किसान है, वैसा करे तो पूरे लोगों को मिलते सर। वो क्या तो एक किसान वाले को 1 लाख भरो, एक किसान वाले को फ्री देते, वो फ्री देने के किसान को यूज नहीं करता सर, वो पुक्कट आए तो उसका कीमत नहीं आया सर उसका। वो थोड़ा बहुत ये सोलर पंपसेट में थोड़ा लोगों को, किसान वाले को थोड़ा वो जरूरी, वो थोड़ा माहिती होना सर जरूरी, उसका सोचने को कैसा पंप वर्क करता। वो लोगों बहुत बोलते सर बारिश का टाइम पंप कम आते पानी, वो बारिश के टाइम हमारे को पानी छोड़ने को जरूरत ही नहीं रहते सर, वो 20-30% कम आते सर। वो हमारे को इक्वल आने को ट्राई करे तो थोड़ा 2 पैनल ज्यादा डाले तो बारिश का टाइम भी सेम वो उजाला आते सर, वो उसका करंट सही यूज करना पड़ता है सर। वो किसानों को क्या है सर, खेत में थोड़ा बहुत लोगों को पीएम किसान योजना में पंप दिया सर, वो पंप सही यूज नहीं कर रहे सर। हमारा एक हम बोलते सर, एक वो सब्सिडी हिसाब कैसा देना सर, एक आदमी को पंप देते तुम वो किसान को, वो उसका चालू है बंद है, उसका ऑपरेट कर रहे नहीं कर रहे, वो क्या वो उसका प्रॉब्लम है, उसका एक टीम बना के वो उसका छोड़ना सर। वो किसानों का प्रॉब्लम है, वो कैनाल का प्रॉब्लम है, वो सोलर एनर्जी का प्रॉब्लम है,
कौन सा प्रॉब्लम है, क्या ये वो बोरेल में पानी का प्रॉब्लम है, वैसा करे तो क्या होता सर? वो बहुत पीएम कुशल योजना में पंप डाले छोड़े सर, उधर पानी भी नहीं, क्या है? दूसरा किसान वाले देखते सर वो वैसा वो अच्छा नहीं चालू रहते, उसका बंद हो गया, वैसा बोलते सर। हमारा पास 3 पंप है सर, एनी टाइम चालू रहते सर, वो 10-15 एकड़ तक वही पंप में हम पानी छोड़ रहे सर। इतना अच्छा सर्विस आ रहा है सर, वो पहला बार 1.25 किलोवाट पीसी में वो 50 किलोवाट तक लोड रहते सर। किसान क्या करता सर, वो खाली ज्यादा ज्यादा मोटर लगाते सर, वो ट्रांसफार्मर बड़ा नहीं करता सर, उसका वोल्टेज लो वोल्टेज आके पंप जल जाते सर, वैसा वो जले तो 8-10 दिन होते सर। वो ये सोलर में वैसा प्रॉब्लम नहीं आता सर, सही करंट मिलते सर, 5 साल तक अभी तक पंप खराब नहीं हो गए सर हमारे। जी पाटिल जी, हाँ सर, जैसे जैसे कि आपने बताया कि जो सोलर क्योंकि अगर किसानों के हाथ में डिसीजन दे दिया जाए कि वो क्या बेहतर करना चाहे उससे, तो ये एक सुझाव हो सकता है। एक और सवाल आपसे, एक सवाल जो शुरुआत में ही रह गया था कि आपके नाम पे कई सारे इनोवेशन, आपको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं सोलर में जो आपने इनोवेशन किए हैं, अगर आप बता सके एकदम संक्षिप्त में छोटे कम समय में कि कौन कौन से ऐसे आपने मशीन को डेवलप किया है, कैसे उसको लो कॉस्ट बनाया और उसका क्या फायदा मिल रहा है, अगर आप बता पाए संक्षिप्त में तो प्लीज। हम सर सोलर हेलमेट बनाया सर, वो सोलर जला कुर्सी बोल के वो उधर वो क्रॉप आते सर, वो रेडी करने को क्रॉप जमीन को नहीं डालते सर, वो सोलर सिस्टम में वो ट्रे बना के वो जल कृषि उसका सोलर का सिस्टम करे सर। हम सोलर लाइट ट्रैप बनाए सर, वो किसान में वो क्या करता सर, वो ज्यादा तेल गिल मारे तो उसका डिसीज आ रहे ना सर, नेचुरल कंट्रोल करने को लाइट ट्रैप बनाते सर, वो कम खर्चे में वो 2000-2500 में वो सोलर लाइट ट्रैप बनाते सर। वो सोलर सायरन भी कर रहे सर, वो तुम्हारे को जवारी वारी आते ना सर, वो सायरन करने को वो डायरेक्ट करंट आते ना सर, वो सायरन कनेक्ट करता सर। हम छोटे पंप डिजाइन करे सर, 4000 में होते सर, 25 फीट डीप बाउडी में पानी निकल के 40 फीट ऊपर हेड आते सर, उसका हमें डिजाइन करे सर। वो 20 वाट पैनल यूज करके उसका डीसी पंप लगा के वो उसका करे सर, वो भी बहुत अच्छा चल रहे सर। वो ये छोटे छोटे वो लाइट भी 2000 का 4000 का, वो किसान वाले को कितना बजट है सर खेत में, वो उतना उजाला वो 2000 में भी देते सर, 1000 में भी लाइट डाल के देते सर, उसका ज्यादा पैसा है तो 15000-20000 वो ज्यादा ज्यादा वो कितना उसका रिक्वायरमेंट रहते ना सर, उतना पैसा में लाइट वो हमारे खेत में पहला वो डिजाइन करता सर, 2000 का पैनल डाल के वो बैटरी डाल के वो कितना घंटे आते हैं, वो क्या बल्ब डालना, वो पूरे सोच के हमारा 6-5 महीना इधर डिसीजन करके फार्मर को देते सर। वैसा करे तो वो बहुत फार्मर भी कांटेक्ट हो रहा है सर, ज्यादा फार्मर को सोलर एनर्जी रीच करे सर। Janak ji, we left you midway last time, so you were complaining about why your solar cooker was not scaled up much. So this is the exact question, like yours, we have seen many successful examples in rural areas, remote areas, on how solar energy was used to make innovative products, but they could not be scaled up, manufactured at large scale, that was made mass product. What main bottlenecks, what main major hurdles you face when it comes to scaling its production, reaching out to more number of people across the country? आपकी आवाज थोड़ी लो आ रही है मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। हमारा खेत में घर बनाया सर, 5 साल से अभी तक करंट वो बिजली गए को नहीं देखे सर, हम उतना ये 2 किलोवाट करे सर हम डिजाइन करके वो उतना बारिश का टाइम कभी भी टाइम रहते, एक दिन भी करंट एक मिनट भी गए को उतना सही आ रहे सर। अच्छा, 5 साल से वो सोलर एनर्जी यूज कर रहे सर हम। जनका मैम शायद आप आपकी आवाज आ रही है, आप शायद आप बोल
रिपेयर ट्राई कीजिए। अच्छा, दिस इज वन क्वेश्चन वी कैन टेक। वी हैव वन एनोनिमस क्वेश्चन ऑन लाइवलीहुड, लिंकिंग लाइवलीहुड टू सोलर एनर्जी, सो वी कैन मूव टू हर्षा जी। We have read your articles. You have also talked about linking livelihood options to decentralized renewable energy solutions. We have seen in many areas and when there is a DRE project. जी. आपको सुनाई पड़ रहा है? जी. बताइए. हाँ, मैं ये बता रही थी कि एक तो सबसे बड़ा इश्यू ये है कि इंडिया में अभी तक सोलर कुकर्स के लिए जो रिफ्लेक्टर मटेरियल चाहिए वो मटेरियल की कोई फैक्ट्री नहीं है। और दूसरी बात है, एज ए पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी में अभी तक ये प्रायोरिटी नहीं है। और जो सोलर किचन इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल बनाए हैं लोगों ने, वो इंडस्ट्रीज ने बनाए हैं, इंस्टीट्यूशन ने बनाए हैं और सक्सेसफुल चल रहे हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। जिस दिन मोदी जी कह देंगे तो हो जाएगा। सो we'll move to Harsha ji. I was talking about that you talked about linking livelihood to DRE projects. So we have seen in many areas that when DRE projects come up in those areas, we also see a boost to the rural economy, women empowerment and livelihood opportunities also increase. So do you think we need a kind of policy where the government can ensure that whenever there is a new DRE project, we can also include a part in such a MOUs that we will also ensure boosting the local livelihood options? What's your thought on it? Thanks Manish. So I partly agree with what Janakji said, and I will elaborate a little bit on the livelihoods angle particularly. So as you would have seen, so there is now a policy framework for improving livelihoods through DRE, which has been recently, not so recent, a couple of months ago, it was released by the MNRE. So part of the problem is that this comes from MNRE and it does not come from the livelihoods missions, or it's not really being owned by those who are responsible for improving livelihoods in the country. An attempt has been made in the policy itself, which says that the MNRE and its related agencies should work with livelihood promotion societies of each state. And so, so that they can work together. So one part of it is, yes, of course, all of these entities need to work together. But the fact that this sort of framework has come is an acknowledgement of the role that DRE can play in improving livelihoods. Along the value chain, specifically agricultural value chain, if you think about it, right from irrigation to post-production, processing to cold storages and storage of produce, to retail markets, and so on. There are applications of electricity for all of these processes. Now, DRE is just another way of providing that electricity. But the point is that it is going to cost a little bit more, like it requires investments at all of these different stages for it to identify that you are using DRE instead of relying on some unreliable supply, either from the grid or any other way that you would be using these using electricity from. So that's why there is definitely a requirement, so to speak, that whenever new projects are started. So let's say, for example, the State Rural Livelihood Mission decides to choose a district. There is this one block, one product kind of a program that livelihood missions have been doing. Let's say, for example, they decide on a particular commodity that we will produce this from this particular district, and we will continue to support it throughout its value chain.
So in that kind of a program, for example, if you already in the, your policy or in your program documentation, put that, okay, we will also ensure and provision finances and expertise for integrating distributed renewable energy or renewable energy into the requirements for this particular value chain. So that sort of commonality between the different kinds of entities who work on it is what is going to ensure that the potential of DRE for livelihoods is actually taken up. This is exactly the point that the anonymous attendee also asked, which is, how do you link it with income generating activities? It has to be through the processes that are already existing and that need to identify the need for electricity and then need to acknowledge that DRE can provide that electricity, provided there are the mechanisms that are needed for it. We also need to accept one more thing, which is that only DRE will not solve anything. That it has to be DRE or energy supply in general with the other things that are needed to promote livelihoods. So energy is only going to support. Energy is only a means to an end. But there are other means as well, which need to work together so that we can actually promote the productivity and the options for livelihoods in rural areas. Let me stop there. Thank you. मेरा अगला सवाल रविंद्र जी से रहेगा कि आपने गांव में ये सब बदलाव लाए, आपका गांव सक्सेसफुली सोलर एनर्जी पे चल रहा है. इस दौरान आपको कभी लगा कि सरकार से कोई मदद चाहिए या कभी जरूरत महसूस हुई कि सरकारी कोई मदद मिलती तो और बेहतर हो सकता था? हम तो 14 साल में ये प्रोजेक्ट होने के बाद भी अभी हमें ऐसा लगा था कि महाराष्ट्र में पहला सोलर गांव ये मानेचवाड़ी हो गए, तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सोलर एनर्जी हो, सोलर कुकर हो या सोलर इक्विपमेंट हो, इसमें थोड़ा सा प्रायोरिटी देख के देने के बाद ये पूरा रूरल एरिया में सोलर का बिजली हो सकता है. वो सोलर के एनर्जी में जो बदलाव होना चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होना चाहिए. खाली एक गांव के लोग इकट्ठा होके कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया तो और भी इसमें बहुत थोड़ा डेवलपमेंट हो सकता है. और गवर्नमेंट ने इसमें प्रायोरिटी देना चाहिए, हमें ऐसा लगता है. अभी वो कुसुम योजना है, कुसुम योजना तो होती है, वे चालू है, लेकिन ये किसानों के लिए होने वाली योजना है. लेकिन अभी हमारे ऐसा ध्यान में आया है कि किसानों के नाम पे एक कुसुम योजना का लाभ लिया है और ये यूनिट है वो बिल्डर ने आपके छत के ऊपर रखा है. सोलर ही हो रहा है, लेकिन ये कुसुम योजना किस लिए है? कि किसानों के लिए, किसानों को वो बिजली मिलना चाहिए, उसके खेत को पानी मिलना चाहिए, उसको खेत में बदलाव होना चाहिए, इसीलिए कुसुम योजना है. लेकिन ये कुसुम योजना कहाँ तक पहुंची है? ये रूरल एरिया में अभी तक वाईफाई नहीं है, अभी तक वो नेटवर्क नहीं है, तो उसमें जीमेल, ईमेल, ये शासन का, गवर्नमेंट का जो रूल है वो पूरा के पूरा जीआर जो डालते है वो अपने साइड पे डालते है. उसमें से पब्लिसिटी होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, और रूरल एरिया में जागरूकता होने के बाद ही ये बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो सकते है. ये सोलर का जो काम है, ये सोलर एनर्जी का जो काम है, ये सिटी में बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है. हमें ऐसा लगता है रूरल एरिया में उसका थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट ने. तो रूरल एरिया में जगह भी बहुत होती है, उसमें जगह भी होती है, उसमें पैनल लगाने में कोई आसान प्रॉब्लम नहीं आ सकता है. और उसमें से सोलर कुकर भी आ सकता है, सोलर की बिजली भी आ सकती है, सोलर की अदर इक्विपमेंट होने के बाद ये सोलर का बहुत सारा ये डेवलपमेंट हो सकता है और सोलर की एनर्जी बढ़ सकती है. इसमें से पूरा महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हो या अदर स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, ये रूरल ये इलेक्ट्रिसिटी की मिनिस्ट्री है, उसमें से कोई जो टेक्नीशियन या तज्ञ मेंबर है उसी ने उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए. ये अभी एनर्जी ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला एनर्जी है, वो लोगों के मन में जो चेंज होना चाहिए तो उसके लिए आईएसी होनी चाहिए. हमें तो ऐसा लगता है कि ये बढ़िया बढ़िया ये टीवी के ऊपर जाहिरात देते हैं, वो
एडवर्टाइज देते उसमें से ये भी एडवर्टाइज होनी चाहिए कि ये सोलर की एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, हर घर में वो सोलर की एनर्जी होना चाहिए। अभी जो कंपल्शन भी होना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है ये राशन देते है फ्री ऑफ कॉस्ट राशन देते है, इसीलिए वो कंपल्शन होना चाहिए अभी कि सोलर की एनर्जी जिसके घर में हो उसको राशन मिलना चाहिए। ऐसा कुछ तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक आगे वाला पैर डाला तो मुझे तो ऐसा लगता है हर घर में सोलर की एनर्जी जल सकते है। जागरूकता बढ़ाने की बात की, बहुत अच्छी पॉइंट आपने रेज किए। अब हम जनक जी की तरफ दोबारा जाना चाहेंगे। मैडम, गांव के इलाके में अगर हम बात करें कि कभी भी अगर सौर ऊर्जा से ऐसे इलाकों में जहां पहले बिजली की बहुत कटौती हो रही थी और सौर ऊर्जा से अगर बिजली बहुत समय तक आने लगती है तो क्या सामाजिक बदलाव आप क्या देखते हैं? अगर महिलाओं की बात करें, जीविकोपार्जन के जो अलग साधन है उनकी बात करें, किस तरह का बदलाव आप देखते हैं समाज में अगर बिजली सौर ऊर्जा से आने लगे? मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये है कि जो एज ए होल जो गवर्नमेंट की पहले बात करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, कोई भी किसी को भी छोटे माइक्रो लेवल डोमेस्टिक लेवल पे लोगों को फायदा देने का कोई प्रोग्राम नहीं है। दूसरी बात यह है कि जितनी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया के, उनमें से एक भी आज तक कोई सोलर इंजीनियरिंग करना नहीं जानता। इंडिया में कोई स्किल ही नहीं है लोगों के पास। इंस्टीट्यूशंस में डिग्री लेते हैं बच्चे और वो कोई भी ऐप बनाते हैं, डिजाइन में जाते हैं, पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़कियां ही नहीं है। मैं पिछले 37 साल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉलेजेस मेरे पास आते हैं, मेरी टॉक सुनते हैं, जब पूछती हूँ कितनी लड़कियां एडमिट हुई, सारे कोर्स में एक लड़की बड़ी मुश्किल से आ रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो जब तक वो हमारे पास ऐसे इंजीनियर नहीं है, IITs हमारी को समझ नहीं आती ये बात, तो अभी सारे मुझे लगता है इंडस्ट्री के लिए, हाई लेवल के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए काम करना चाहते हैं। अभी जो रूरल इंडिया है उसके लिए किसी को इंटरेस्ट नहीं है इंडिया के अंदर। ये मुझे एक सबसे बड़ी बात लग रही है अभी। और दूसरी बात यह है, अभी जो हर्षा की बात थी, मैं भी उसके साथ सहमत हूँ कि यहाँ पर कोई भी एक भी कहीं हम लोग ट्रेनिंग लोकल लेवल पे जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, वो प्रोग्राम के अंदर भी इंटरकनेक्टिवली और होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो कौशल विकास है, वो गरीब योजना है, वो अंदर क्या बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, इनके अंदर कोई कनेक्शन नहीं है कि क्या हमें करना है, क्या किस तरह से मैकेनिक तैयार करने हैं गांव में। मैंने कितने सोलर इंजीनियरिंग की कंपनीज के लोगों को बोला, मैंने मेरे पास जो विंड मिल है वो 1 किलोवाट का है, 11 साल से चल रहा था, अभी 6 महीने से वो उसमें कुछ खराबी हो गई थी, मैं थक गई थी, लेकिन अल्टीमेटली मैंने गांव के इलेक्ट्रिशियन को बोला, गांव के कुछ बच्चों को बोला, जिन्होंने हिम्मत करके उन्होंने उसको ठीक किया। तो जब तक ये बात नहीं आती है सामने कि हमारे पास लोकल, बहुत अच्छा हर्षा के साथ सहमत हूं मैं भी, वो भी मेरे साथ सहमत है कि हमारे पास ट्रेनिंग नाम की कोई चीज नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं है, हमारे अंदर विजन थिंकिंग और विजन और इम्प्लीमेंटेशन का कोई संबंध नहीं है, और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी वेस्टेड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ चलते हैं, इकोनॉमी को देखते हैं, इकोलॉजी किसी की प्रायोरिटी नहीं है। जब तक इकोनॉमी के पीछे इकोलॉजी की मंशा नहीं होगी, जब तक आत्मा के अंदर, लोगों के अंदर ये भावना नहीं होगी कि हमें धरती बचानी है, हमें पर्यावरण बचाना है, हमें क्लाइमेट चेंज को ठीक करना है, सोल्यूशन देना है इसका, तो मुझे लगता है कि एक तो ये कि जैसे गांव के लेवल पर लोगों के पास पावर भी नहीं है,
पंचायत के पास कोई पावर नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई जब ये रविंद्र भाई की बात सुनी कि उन्होंने ग्राम सभा की। अभी ग्राम सभा तो कोई करवाता ही नहीं है, ग्राम सभा करता ही नहीं है, और महिलाओं की तो कोई कोई भागीदारी नहीं है किसी ग्राम सभा में। अभी जो कंट्री है इट इज रन बाय द पावर गेम, पॉलिटिकल पावर गेम। अभी सोलर एनर्जी पावर और रिन्यूएबल एनर्जी पावर और नेचुरल रिसोर्सेस की पावर और एम्पावर करने का भी किसी का एटीट्यूड नहीं है कि लोगों को एम्पावर करे। अब एक और क्वेश्चन है हर्षा, यू वांट टू टेक, हाउ आर द सोलर इनोवेशंस इक्विपमेंट मेंटेन्ड इन दिस डिसेंट्रलाइज्ड सेटअप्स, डू द पीपल। हां बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है इनोवेशन, और इनोवेशन करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। हमारे कंट्री में तीन लेवल है, हमारी आईआईटी से इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, हमारे पॉलिटेक्निक है, हमारे पास छोटी आईटीआईज है, पर कहीं हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है। हमारे किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसी ने एक सोलर कुकर नहीं लगाया है, पूरे इंडिया में किसी ने एक सोलर ड्रायर नहीं लगाया है। एग्रीकल्चर कॉलेज के बच्चे मेरे पास इंटर्नशिप पे आते हैं, वो देख के हैरान होते हैं कि सोलर ड्रायर से कितना पैसा कमाया जा रहा है। तो हमारा जो एक अप्रोच है, हमारा प्रैक्टिस और थ्योरी उसके अंदर कनेक्शन नहीं है, हमारी एजुकेशन और एम्पावरमेंट के साथ स्किल डेवलपमेंट के साथ नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूशंस एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिग्री प्रोड्यूसर बन गए हैं, वो मासेस क्रिएट कर रहे हैं डिग्रीज की, लेकिन उनको कुछ भी करना नहीं आता। एक भी बच्चे को अपने हाथ से कुछ काम करना नहीं आता किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के। जी मैम, आप वांट टू मूव टू हर्षा मैम, यू वुड लाइक टू टेक अटेंड दिस क्वेश्चन, यू सॉ दिस, how are the solar innovations equipment maintained in this decentralized setups, do the people who own them or its community maintenance effort, or does the company send someone? Sorry, is this in the chat or in the Q&A? I think there is some other platform which received that. Okay, all right, sure. So the question is, how are these systems actually maintained, right? That's what is there. So usually what happens is that when you ask a vendor to install a particular solar and battery solution in a site, they can offer you an annual maintenance contract. Now, that annual maintenance contract can either be for 1 year, or it can be for 5 years, or it can be for, you know, different kinds of time periods. The vendor then takes responsibility of certain aspects. Right. So the vendor then take responsibility of certain aspects, which is that, let's say, for example, the system stops running, then they will send a technician who will understand or try to troubleshoot or diagnose, you know, what the problem is at the system, and then try to resolve it. And this is the important part, that the consumer needs to know what is actually covered in the AMC and what is not covered in the AMC. What is in the documentation for that particular system and what is not included in what the vendor needs to do. Now, if wherever we have tried to work with our partners, a lot of our partners had an experience with solar and it was not a good experience. And the reason for a not so good experience was that there was not enough training conducted. Yes. Either by the vendor, or even the consumer did not pay so much of attention. Both these issues are possible in terms of understanding how the system actually works, what they should do for certain things that can arise, you know, in normal course of events. For example, we know that what we call is the irradiance of the sun. So there is a atlas, also a solar, global solar atlas, which tells you how many kilowatts per day can 1 kilowatt peak of solar PV produce based on the location where you are in the world. For example, in Rajasthan, you can expect about 4 to 5 units of electricity to be generated. But in a place like Assam, you will only get 3 kilowatts because the solar irradiation is less there. Now, if you expect a system to perform at the levels of Rajasthan in Assam,
there is going to be a problem and there's going to be a mismatch. So these are some very simple basic things that the consumer needs to be made aware of, that okay, you need to understand the limitations of your system, you need to understand what you can connect, what you can't connect to this particular system. And so that's why, like ma'am also said, that you know, awareness is an issue. And I think even Manas, Ravinder sir talked about it, that you know, getting people together, trying to make them understand how much, you know, trying to make them understand how the system actually works will ensure that it will work in the long run. The community can definitely train some specific people to take care of, or to, you know, either they can be electricians or some people with some technical background. Even the basic technical background is enough. Okay, we don't really need IIT graduates to maintain solar systems. We need people who can understand basic electric circuitry. They can be trained to do quick responses whenever a particular system faces any issue. And then there should be, ideally, there should be a level of response systems, which is, okay, if the technician cannot handle it, can we call a technician from the company who installed it? If the company technician can also not handle it, do they have another person who can provide them with additional information to do it? Even within these first two levels, like I said before, there is a system called the remote monitoring system, which can help to figure out, okay, what the problem is, so that they can send the right person to the field. Let's be frank, rural areas where a lot of DRE is installed, DRE systems are installed, are very hard to get to. They are hard to get to, and that is why there is no grid there. If it were easy to get to, the grid would have been there. Yes. So it is. We should acknowledge the challenge that DRE companies face in maintaining these systems, and we should try and support them as much as possible. And the only way to do that is good data analysis, is to have good level of awareness and good level of training in the community itself. I'll stop there. Yes, Janak ma'am wants to say anything. Yeah. I want to say one thing, Manish. Yes. Hello. Mujhe lagta hai ki as a whole, we need to talk about two major issues. Ek to sustainability of the systems ki baat ho rahi hai. सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, डिसेंट्रलाइज करना, पहले सेंट्रलाइज में कुछ तो हो, फिर डिसेंट्रलाइज भी करे, कुछ है ही नहीं अभी. देयर इज नो सच अ सिस्टम कि ऐसा एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसको हम डिसेंट्रलाइज करेंगे. मैं तो सोचती हूँ कि नीचे से शुरू होना चाहिए ऊपर जाने के लिए. तो दूसरी बात ये है कि हमें ये जो अभी ट्रेनिंग पार्ट है, यूजर की ट्रेनिंग भी, कोई काम लगवाने वाला है उसको पहले ट्रेनिंग होना जरूरी है. मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं उस सिस्टम की, सबकी कुछ भी है तो हमारी जो सक्सेस हुई 12 साल के बाद, सोलर कुकर इसलिए काम कर रहे थे कि महिलाएं ट्रेन थी कि उसको साफ कैसे करना है. नहीं तो एक जगह उसने सारा स्क्रैच कर दिया उसको, रिफ्लेक्टर मटेरियल को खत्म. तो ऐसा करके छोटी छोटी चीजें जो है, और डॉक्यूमेंटेशन मुझे लगता है एक होना चाहिए सक्सेस स्टोरीज की, एक पूरे इंडिया की स्टडी होना चाहिए, थर्मल में क्या हुआ है, ड्रायर में क्या हुआ है, कौन से इनोवेशन पे क्या हुआ है. इनोवेशन के बाद वो आया क्या नहीं मार्केट में, इनोवेशन के बाद फिर क्या हुआ, हमको अवार्ड मिले, सम्मान मिले हैं, लेकिन सोलर कुकर तो नहीं मिला है मुझे. Very valid points made by Janak ma'am and Harsha ma'am on the issue of maintenance. That from our field visits also, we have seen that many solar projects, rural projects have failed because due to lack of maintenance, because the local communities were not taken into confidence, the local guys were not trained how to repair it, because it is a very, it has expertise sector, it needs expertise, because a local mechanic cannot repair it. So either the company person can come to repair it, otherwise it will go unattended. That we have seen in many areas, that even within the 5 year of maintenance period, annual their contract, even during that period, many such projects are failing, and after that there is no one to take care. So it's very, many experts have also highlighted this, that we need to
take the conflict, their local communities on board to make such projects successful. So we have come to the end of this program. Manish, you want to say something? हाँ, एक बात जो ट्रेनिंग की बात हो रही थी, हमारे साथ जो पाटिल जी हैं उनसे बात करते हुए मुझे पता चला कि उन्होंने आईटीआई, वो एक किसान है और साथ में आईटीआई से उन्होंने एक ट्रेनिंग की हुई है और उसका फायदा उन्होंने इस तरह से लिया कि जो मार्केट में जो चीज 20,000 की मिल रही है वो खुद से वो उसका कॉस्ट 50% तक डाउन करके खुद से वो उसको तैयार कर लेते हैं. तो एक अच्छा एग्जाम्पल हमारे साथ भी है. जी मनीष. So during our reporting things, we have seen that due to decentralized off-grid solutions, solar solutions, electricity came to many villages which were remote in area in Odisha, Jharkhand, and many other places, remote areas, Naxal infested areas. So a lot of positive things and innovating and inspiring things like Janak Madam and other persons have made it possible. Very inspiring stories, actors, superheroes from the grounds who have brought innovations and use solar energy to bring change in such areas where there was erratic electric supply. So suddenly electricity supply started getting momentum and really then life in rural areas start changing. So we have come to the end of the program. We would like to extend our warm thanks to all the speakers who joined us and all the audiences who stayed with us during the webinar and also ask questions. You can follow us on our website Monga Bay India, on our social websites. Manish can share the details. So we request you to please consider following us on Twitter, Facebook, YouTube and other social media channels to keep yourself updated on our works on the issue of environment and clean energy. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks. Thank you.